फिर से आए मीरा भाविन व्यास जी की किचन में और आज वो दिखा रही हैं मुंबई स्पेशल दाबेली। आप सभी का स्वागत है जायका का तड़का में। यस, दाबेली बहुत फेमस स्ट्रीट फूड है मुंबई का और आज हम घर में आपको उसकी रेसिपी दिखाएंगे बहुत आसानी से। सो बनाना स्टार्ट करें मीरा। ज्यादातर है ना मसाले नहीं मिलते हैं रेडी मसाले। हाँ हाँ, हम लोग घर पे ही बनाएंगे दाबेली मसाला। दाबेली मसाला घर में ही बनाएंगे। वेरी गुड। के लिए चाहिए हम लोग को अक्खा धनिया चाहिए। हाँ हाँ, और क्यूमिन सीड चाहिए। अच्छा ओके, ये मैंने 50-50 ग्राम लिया है। सो ये होल कोरिएंडर सीड्स और जीरा हमने लिया है यहाँ पे। इसमें 4 रेड चिली, ओके, 2 सिनेमन स्टिक, ओके, और क्लोव्स। अच्छा, क्लोव्स कितने? क्लोव्स 5-6। ओके, और इसको हम रोस्ट करेंगे। हल्का सा भुनना है, ज्यादा नहीं करना है। अच्छा, रोस्ट करना है दिस वे। दाबेली मसाला घर में बनाना इज एन आर्ट है ना। बहुत सारे लोग बाहर से लाते हैं, पर लाते और कई कभी मिलता भी नहीं है, तो इट्स वेरी इजी। देखिए ये हो गया। हाँ, कम्प्लीटली यू नीड टू बी कूल डाउन। हाँ, 5-10 मिनट। हाँ, और ये रिमूव कर लेना है। क्या रिमूव? इम्पोर्टेंट थिंग, ये आपको रिमूव कर, लाल मिर्ची की जो डंठल है ये रिमूव कर देना है। ठीक है, बस और हल्का सा पानी डाल के आपको मिक्सी में चला लेना है। ओके, तो बन के ऐसा बन जाएगा। और इसको हम स्टोर भी कर सकते हैं या आराम से स्टोर? तो फिर पानी नहीं डालना है। अच्छा, तो फिर पानी नहीं डालना है, ड्राई? ये मैंने पानी डाल के रखा है, लेकिन अच्छा, आपको अगर स्टोर करना है तो 2 महीने तक आराम से स्टोर कर सकते हैं। एयर टाइट, बाहर फ्रिज के बाहर? फ्रिज के बाहर। ओके, फ्रिज। ठीक है, ठीक है। तो दाबेली मसाला बन चुका है और इसके लिए दूसरा चाहिए रेड चिली। इसमें कश्मीरी लाल मिर्च चाहिए? कश्मीरी लाल मिर्च। और ये गार्लिक, कितने गार्लिक? 5-6 पीस गार्लिक का लिया है। और 4 रेड चिली। 4 रेड चिली, तो इसको भी हम लोग को मिक्सी चला लेना है। हाँ, थोड़ा सॉल्ट और पानी डाल के, तो ऐसा okay. पेस्ट बन जाता है। तो ये चटनी के लिए भी यूज कर सकते हैं। हाँ हाँ, और वैसे भी खा सकते हैं। ओके ठीक है, ठीक है। तो ये 2 मेन चीजें हैं दाबेली के लिए। ठीक है, स्पेशली कच्छ का फेमस आइटम है। अच्छा, ये कच्छ का फेमस आइटम है, राइट? और ये रेसिपी आपने किससे सीखी है? ये रेसिपी मैंने मेरे मम्मा से सीखी है, क्योंकि मेरी मम्मा खुद कच्छ की है, बॉर्न एंड ब्रॉट अप कच्छ। ओके, एंड वी आर वेरी ग्लैड दैट आंटी इज आल्सो हियर। सो आंटी इज सिटिंग हियर। देखिए आंटी, आपने मीरा को सिखाई है, राइट? सो इस दाबेली के बारे में आप कुछ बोलना चाहेंगे? हमारी दाबेली हमारे कच्छ की बहुत प्रख्यात है। मांडवी में 500 साल पहले से बनती है। हाँ, बहुत प्रख्यात है। घर में मसाला बनाने का तैयार भी मिलता है, पर मैं घर में बनाती हूँ। हाँ, और मेरी बेटी को मैंने सिखा दिया। अच्छा, वेरी नाइस आंटी, थैंक यू सो मच। ये हम लोग दाबेली का भी स्टार्ट कर रहे हैं। उसके लिए ऑयल चाहिए, 1-1.5 चम्मच। हाँ, ऑयल। ऑयल आने के बाद हमारे पास बहुत कॉमन है जो घर पे रहती है, ये खजूर आमली चटनी जो बोलते हैं। हाँ हाँ, तो स्वीट भी होता है और आमली की वजह से थोड़ा खट्टा टेस्ट भी आता है। अच्छा, तो ओके, खट्टा टेस्ट आ जाता है। ओके ठीक है, तेल गर्म हो चुका है, उसके बाद हम लोग सीधा ये चटनी डालेंगे। तो इमली की चटनी भी हम डाल सकते हैं? आराम से डाल सकते हैं। तो कितना हमने अभी छोटा बॉल इमली की चटनी, एक बॉल लिया है, उसके अंदर हम लोग डालेंगे 1 चम्मच हमारा जो गार्लिक का पेस्ट है, गार्लिक रेड चिली पेस्ट, ये डाल के देखिए ये इसको मिक्स करना है। हाँ, और कौन सी फ्लेम पे करना है हमें? सब मीडियम फ्लेम पे करना है। एक टमाटर मैंने लिया है। हाँ, उसको भी मैंने मिक्सी कर लिया है। प्यूरी, टोमेटो प्यूरी एक टमाटर की। ओके, ये सब 2 मिनट सिर्फ भूनना है। सॉल्ट, दाबेली मसाला, मसाला जो बनाया है वो मसाला, ठीक है। और आपको एडिशनल थोड़ा स्पाइस चाहिए कि कुछ है तो आप ये हम लोग का जो किचन का होता है रेड चिली पेस्ट। हाँ, तो कश्मीरी मिर्च वो 1 चम्मच, रेड चिली पाउडर, रेड चिली पाउडर वो 1 चम्मच डाल दीजिए बस। ओके, डन। ये पूरा पेस्ट रेडी हो जाएगा 2 मिनट में। तो इसको चलाते रहना है, चलाते रहना है। तो देखिए 2 मिनट हो चुके हैं और हमारा यहाँ पे जो हमने मिक्सर बनाया है वो सिक चुका है अच्छे से। अभी इसके अंदर हमें 4 मैंने बॉइल पोटेटो लिए हैं। अच्छा ओके, उसको मैश कर दिए हैं। ओके, वो हमें डाल देना है इसके अंदर। देखिए, तो देखिए दाबेली गुजरात और महाराष्ट्र में बहुत चलती है और हम लेके आए हैं आपको ऑथेंटिक रेसिपी घरों में कैसे बनती है। सिंपल, आसान, जो दिखता है वही बनता है जायका का तड़का में। कोई रीटेक नहीं, कोई रीशूट नहीं, गारंटी आपकी किचन में भी वैसा ही बनेगा। देखिए ये पूरा मिक्स हो गया मसाले के साथ। ये पूरा दाबेली मसाला है, फिर टैमरिंग चटनी है,
लहसुन का चटनी पेस्ट है, सब मिक्स हो गया पोटैटो के साथ। तो हमारा जो ये स्टफिंग है ये रेडी हो गया है। ये स्टफिंग के अंदर हमें एडिशनल डालना है, जैसे गार्निशिंग के लिए चाहिए, ये कोकोनट का ग्रेटेड कोकोनट है, ग्रेटेड कोकोनट पाउडर ड्राई। तो ये ऑप्शनल है या डालना है? नहीं, ये डालना है। सो हमारा दाबेली का अंदर का स्टफिंग रेडी है, हम लोग उसको प्लेट में निकाल देते हैं। ठीक है, इसको प्लेट में निकाल के ड्राई कोकोनट पाउडर, दाड़म, एक दाड़म लिया है मैंने। दाड़म इज अनार, अनार। अच्छा, गुजराती में दाड़म बोलते हैं। ये अनार, फिर धनिया, पीनट को सेक के ये मसाला जो बनाया था उसके अंदर डाल दिया है। तो ये मसाला सिंग बन गया। अच्छा। जो बाहर रेडी में मिलता है लेकिन मैंने घर पे ही बनाया है। ओके, तो ये हम इसमें ड्राई दाबेली पाउडर यूज करें तो बेटर है, है ना? पेस्ट की जगह ये पूरा रेडी हो गया है। ये उसको करेंगे। ओके, आपको इसके लिए पाव लेना है, आपको ये चटनी जो है बनाई है लहसुन की, लहसुन की चटनी, वो अप्लाई करनी है। हाँ हाँ, फिर एक स्पून भर के, ये देखिए, ये करके ऑनियन, सेव, हाँ, रेडी हो चुका है। सेम और दूसरा बन में भी देखिए, दाबेली आपके लिए रेडी है सर्व करने के लिए। घर में गेस्ट आ जाएं तो आप फटाफट बना के रख सकते हैं। दाबेली में पाउडर भी बना के रख लीजिए, बॉयल आलू होंगे तो फटाफट बन जाएंगे। बहुत ही बढ़िया रेसिपी रेडी है। रेडी है अभी हम लोग उसको तवे पे फ्राई करेंगे। ओके, बटर डाल के, हाँ हाँ, ये बटर मैंने लिया हुआ है, तो इसको गरम करेंगे दोनों साइड से। ये स्ट्रीट फूड में ऐसे गरम करके मिलता है, गरम करके ही मिलता है। ओह अच्छा, ऐसे इतनी टेम्पटिंग लग रही है कि मैं तो ऐसे ही खा सकती हूँ इसको बिना गरम करे, वेट ही नहीं हो सकता। तो दाबेली आपके लिए देखेंगे गरम करके, बन चुकी है हमारी, चुकी है। और ये देखिए, ठीक है, गैस बंद कर देंगे और इसको सर्विंग प्लेट में, इसके अंदर पूरी चटनी सब डाली हुई है, तो हम लोग एडिशनल कोई चटनी की जरूरत नहीं है। हाँ हाँ, वी कैन ईट ऐसे ही खा सकते हैं। सो आपको हमेशा आंटी ने खिलाया है, तो अब आंटी को आप सर्व करेंगे तो अच्छा लगेगा। हाँ, ताकि आंटी बताएंगी कि ओरिजिनल ऑथेंटिक दाबेली बनी है या नहीं बनी है। सो थैंक यू सो मच आंटी एंड मीरा जी फॉर दिस लवली रेसिपी। तो आंटी को आज खिला रहे हैं, बहुत फाइन, बहुत अच्छी है आंटी, बहुत अच्छी है, असली दाबेली असली दाबेली बनी है। सो थैंक यू मीरा जी फॉर दिस, मीरा एंड हर लवली मॉम है जिन्होंने उनको ये रेसिपी सिखाई। वील बी बैक लाइव अगेन वेरी सून ऑन जायका का तड़का। अगर ये रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि इसमें हमने घर पे ही दाबेली मसाला बनाया है, नो आर्टिफिशियल कलर, जो दिखता है वही बनता है जायका का तड़का में। आराम से अब आप दाबेली बना सकते हैं। सो बाय बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच, बाय बाय।